हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि आपके रिजल्ट्स झूठ नहीं बोलते। मतलब आपका आपके रिश्ते बराबर चल रहे नहीं चल रहे, आपका धंधा बराबर चल रहा नहीं चल रहा, आप जो काम कर रहे हैं वो काम बराबर होना हो रहा कि नहीं हो रहा, आपकी सेहत बराबर है कि नहीं है, आपके बच्चे बराबर पढ़ाई कर रहे या नहीं कर रहे, जो भी आपके जीवन में हो रहा है, जो भी आप काम कर रहे हो, कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है, सभी हमको यदि उसका असेसमेंट करना है, उसको ब्यौरा लेना है उसका, तो हमको देखना पड़ेगा रिजल्ट्स। रिजल्ट्स क्या है, मतलब आंकड़े क्या है। समझे, कहा था क्रिकेटर है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है और दिन भर अच्छा क्रिकेट खेला, तो हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि उसने अच्छा क्रिकेट खेला है, उसके रिजल्ट्स पे से उसने रन कितने निकाले। एक आधा LIC एजेंट है, वो दिन भर घूम रहा है, दिन भर घूम रहा है, लोगों को LIC का प्लान बता रहा है, पॉलिसी लेने के लिए बोल रहा है, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक घूम रहा है, लोगों को प्लान बता रहा है, बहुत हार्डवर्क किया, कड़ी मेहनत किया उसने। LIC उसको शाम को चेक देने वाली नहीं है कि भाई तेरा इतना इतना कमीशन हो गया। उसके रिजल्ट्स क्या है, मतलब वो कोई रिजल्ट लाता कि नहीं लाता, कोई इंश्योरेंस का प्लान बेच के उसने चेक लाया कि नहीं लाया, तभी उसको कमीशन मिलेगा। तो जिंदगी में आप कितना काम करते हो, कितनी कड़ी मेहनत करते हो, इसके ऊपर अपना जीवन बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा वो समझता नहीं है। तो आप रिजल्ट्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, आप अमीर है कि नहीं हो, आपको बहुत खुशी हो रही कि नहीं हो रही, आपका वजन बराबर है कि नहीं है, आप तंदुरुस्त की है कि नहीं है, रिजल्ट्स बताओ तो मालूम पड़ेगा। और रिजल्ट से फिर आपको फीडबैक मिलता है कि मैंने क्या करना चाहिए। यदि मेरा वजन ज़्यादा है तो मैं कितना भी कुछ कसरत कर रहा हूँ, कुछ जिम में जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मगर वजन ही ज़्यादा है तो मैं जो कर रहा हूँ बराबर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे रिजल्ट झूठ नहीं बोलते, रिजल्ट बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो वो बराबर नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, धंधा चलता नहीं है, धंधे में मैं बहुत हार्डवर्क कर रहा हूँ मगर धंधा चलता नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, कैश फ्लो नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे सेल्स ट्रेनिंग करनी है, धंधे में मेरा क्या इफेक्टिव एक्शंस है, क्या इनइफेक्टिव एक्शंस है, क्या करने से मेरा धंधा चलेगा, क्या करने से माल बिकेगा, वो रिजल्ट से ही फीडबैक मुझे मिलेगा। तो रिजल्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते, रिजल्ट्स विल टेल यू द फैक्ट्स। तो हरदम आपको आपके सामने जो भी आप काम कर रहे हो, आपके सामने रिजल्ट्स होना जरूरी है कि मेरा रिजल्ट्स क्या है, मेरे आंकड़ों में जो उसका आउटकम आता है, उसका जो रिजल्ट आते हैं वो क्या है, स्टेटिस्टिक्स कोई भी काम का। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपकी एक नज़र जो है वो रिजल्ट्स के ऊपर है और एक नज़र जो है वो काम के ऊपर है, क्योंकि आप सिर्फ रिजल्ट्स की तरफ देखेंगे तो काम अच्छा नहीं होगा, और सिर्फ काम की तरफ देखेंगे और रिजल्ट देखेंगे नहीं तो भी नहीं चलेगा। कोई अच्छा क्रिकेटर जो है वो अपने स्कोर बोर्ड की तरफ देख रहा है, कितना स्कोर हो गया कितना स्कोर हो गया, तो वो बॉल के ऊपर अपना फोकस नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा और आउट हो जाएगा। तो उसको फोकस तो करना है काम के प्रति, काम के ऊपर नजर है, वहां 100% डर है, मगर एट द बैक ऑफ द माइंड आपके रिजल्ट्स भी आपके सामने होना जरूरी है, ताकि हम हमारे खेल में या जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें वहाँ सुधार कर सकेंगे। तो विषय यह है आज का जो मैंने अभी बताया, वो कि रिजल्ट्स झूठ नहीं बोलते। हमने बोला है कि कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में बोला हुआ है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। बराबर है, फल की चिंता बिल्कुल मत करो, मगर सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो हमारा कर्म जो है वो इफेक्टिव है कि इनइफेक्टिव है वो हमको देखना पड़ेगा, और इफेक्टिव जो कर्म है जिससे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमको बार 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 हम कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, जिससे हमको रिजल्ट मिलेगी। और जो काम करने से हमको रिजल्ट मिलते नहीं, वो काम हमको बाजू में रखना पड़ेगा कि वो काम चलता नहीं, वो नहीं चल रहा है। तो क्या चल रहा है लाइफ में, जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, कौन सा काम हो रहा है कौन सा काम नहीं हो रहा है, वो हमको यदि देखना है तो हमको रिजल्ट्स के प्रति देखना पड़ेगा, और वहां से हमारे एक्टिविटी में, हमारे काम में, हमारे कृति में बदल लाना पड़ेगा। तो आप देखिएगा कि आपके पढ़ाई में, आपके धंधे में, आपके हेल्थ में, समझो आपके आपका धंधा बराबर नहीं चल रहा है,
कैश फ्लो नहीं हो रहा है तो आप सेल्स ट्रेनिंग लेंगे, आप देखेंगे कि मेरा धंधा क्यों नहीं चल रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लोगों से बात कैसे करता हूँ, मेरी क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है, मतलब क्या कमी है कि जिसकी वजह से धंधा नहीं चला, क्योंकि रिजल्ट्स झूठ नहीं बोलते। तो ये जहाँ जहाँ जिनको जिनको प्रॉब्लम है, आपके संपर्क में काफ़ी लोगों के जिनको ये प्रॉब्लम है कि रिजल्ट बराबर नहीं आ रहे, काम बराबर नहीं हो रहा, तो ये बैलेंस कैसे करना, इसके लिए ये वीडियो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।